ये दोस्तों देख पा रहे हैं, ये हमारा टाटा 1109 BS4 है, EX2 है। गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रहा है, स्पीकर प्रॉब्लम। चलिए देखते हैं, ड्राइवर आ गया है। चलिए चाबी लाने के लिए गया है। वो केबिन को पलटी करके पहले यार छोड़ाना पड़ता है। चलिए इस बीच में हम ओबीडी को भी कनेक्ट कर लेते हैं। ओबीडी घुसाते हैं, ओबीडी कनेक्ट कर रहे हैं, देखते हैं इसमें क्या फॉल्ट कोड आता है। गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रहा है। ओबीडी कनेक्ट हो चुका है, अब देख पा रहे कनेक्टिंग है। TDS लाइट ये आ गया है, देखते हैं कंफर्म में क्या कोड है। चलिए लोडिंग हो रहा है, रीडिंग DTC कर रहा है, थोड़ी देर में रीडिंग हो जाएगा। आ गया है कोड P00870 और P16000, बाकी तो टेम्पोरारी में है, दो कंफर्म कोड है। चलिए इसको आगे देखते हैं क्या करना पड़ेगा। इसका एक बार डिस्क्रिप्शन चेक कर लेते हैं, इसका डिस्क्रिप्शन में क्या है। देख पा रहे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है चेक पॉइंट दिया हुआ है, तो अभी हम लोग चेक पॉइंट को चेक करते हैं। चेक पॉइंट को चेक करने के बाद दोनों का चेक पॉइंट देख लिए, चलिए आगे चलते हैं। अभी व्हीकल स्पीडोमीटर सेंसर बाकी सब चला गया है, व्हीकल स्पीडोमीटर सेंसर रह गया। चलिए इसके लिए कैसे किया है इसको आगे देखते हैं। ये देखिए गाड़ी को अभी स्टार्ट करने के लिए हमें इंजेक्टर से यार निकलना पड़ रहा है, छोड़ने के लिए ये रेल से हमने पाइप सब खोल रहा है। अभी हवा छोड़ना पड़ेगा, रेल का साइड से निकल देने से भी हो जाएगा। इसके बाद क्रैंकिंग करेंगे तो हो जाएगा। देखिए ऑलमोस्ट क्रैंकिंग करना खुल चुका है, सारे नोजल पाइप नजल पाइप खुल चुके हैं। ये और एक बंदा फिट पंप कर रहा है, अभी क्रैंकिंग करना पड़ेगा इसको। मारो ये अभी क्रैंकिंग करते हैं। चलिए देखिए क्रैंकिंग कर रहे हैं, अभी इंजेक्टर पाइप में फ्यूल आ चुका है, अभी अभी काम नहीं होगा। चलिए दोबारा से ये इंजेक्टर पाइप को लगाते हैं, देखते हैं क्या होता है। इंजेक्टर पाइप हमने लगा दिया, क्रैंकिंग कर रहे हैं, नहीं होता नहीं हो रहा है, खराब हो गया एक बार है, लेकिन बार बार ये करना होगा। स्टार्ट हो गया, अभी देखिए एक इंजन का पावर इतना ब्लैक स्मोक दे रहा है, ब्लैक स्मोक है, ड्राइविंग कर नहीं पा रहा है। उसका इंजेक्टर भी फेल है, चलिए एक बार थोड़ा काला काला हो गया। चार नंबर इंजेक्टर पूरा बेटी हो रहा है, इतना स्पीड से भी हो रहा है। बाकी सर्वे जगह है एक दो तीन फीट है, ये जो रिटर्न का है चार चार रिटर्न का जो है वही फीट है। ये करता नहीं हो जाएगा खास की प्रॉब्लम थी, चलिए आपको इंजेक्टर खोलना पड़ेगा। गाड़ी क्रैंकिंग में है, देख पा रहे हैं पूरा बेटी है चारों इंजेक्टर है। तीन नंबर तक ठीक है, ये रिपेयर करके आया इंजेक्टर, ये सामान चेंज किया इंजेक्टर का अंदर में देख पा रहे। तो चलिए इसको गाड़ी में फिटिंग करते हैं, गाड़ी में फिटिंग हो सकता है। ठीक है, उसके बाद अभी बिल्कुल भी स्मोक नहीं है, बिल्कुल भी स्मोक नहीं है। अभी अभी गाड़ी ट्रायल के लिए निकल पड़ेगा, ये कोड आने से जरूर इंजेक्टर को ही देखें। वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।